बहुत लंबे अरसे के बाद हमें आप सब के बीच आने का मौका मिला। हमारे परिवार में कोई बिखराव नहीं। राजनीतिक बिखराव उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन हमने कांग्रेस से इस्तीफा देके, तृणमूल कांग्रेस। हम भी तृणमूल कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन के तहत। आज एक बहुत लंबे अरसे के बाद हमें आप सब के बीच आने का मौका मिला। आप सब यहाँ हमारे निवास स्थान औरंगाबाद पे आए, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं, दो चरणों में चुनाव पूरे भी हो चुके हैं और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों से बातचीत करके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें एक बड़े परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं। हम भी, तृणमूल कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन के तहत और चुनाव धीरे धीरे प्रगति की ओर जा रहा है। नामांकन हो चुका है, आज तो शायद आखिरी दिन है नामांकन का, कल स्क्रूटनी है और परसों सिंबल अलॉट हो जाएंगे। देश में जो परिवर्तन की लहर बह रही है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी का है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ने देश में माहौल बदलने का कार्य किया। एक विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में वो हमारे सामने उभर कर आए हैं। ये चुनाव भारत के लिए, भारत गणतंत्र के लिए, यहाँ की के भविष्य के लिए, यहाँ का भविष्य हम कैसे देखते हैं इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज संविधान बदलने की सोची जा रही है। हमारा संविधान, और जिसमें हमें गर्व है कि हमारे बाबा पंडित कमलापति त्रिपाठी भी उस संविधान के निर्माण में उनका भी योगदान था और उन्होंने कई बड़े डिबेट्स में संविधान में हिस्सा लिया, संविधान सभा में हिस्सा लिया। और एक इस वक्त कई डिबेट्स में एक हम इस वक्त निश्चित रूप से कहना चाहेंगे, एक हिंदी को जो लेके डिबेट हुआ था हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, उसमें हिंदी को राजभाषा बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो और सेठ गोविंद दास जी ने मिलके इस प्रस्ताव को रखा था और सब सारे विरोधों के बावजूद उन दिनों कांग्रेस पार्टी में भी आपस में जब वोटिंग होती थी उसके पहले चर्चा होती थी तो उस चर्चा में भी उन्होंने भाग लिया। और इन लोगों की, सेठ गोविंद दास जी, संपूर्णानंद जी और कमलापति त्रिपाठी जी के पास मेजॉरिटी हुई और हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा बनी। इसी तरह कई बड़े इम्पॉर्टेंट डिबेट्स में उन्होंने लगातार वहाँ भाग लिया था। तो आज जब संविधान खतरे में है तो मुझे कमलापति जी की कुछ बातें हमेशा याद आती हैं। वे हमेशा कहते थे अगर कांग्रेस कमज़ोर होगी तो देश कमज़ोर होगा।
कांग्रेस कमज़ोर होगी तो इस देश जिस रास्ते पे चल रहा है, जिस राजनीतिक रास्ते पे चल रहा है, वो रास्ता लोकतंत्र का रास्ता, जिसको संविधान में बहुत बड़ा संविधान सभा जब बनी थी उसमें और चुन के लोग गए थे, उस वक्त से लगातार एक दुनिया भर में ये डिबेट था कि क्या भारत का लोकतंत्र बचेगा, क्या भारत लोकतंत्र के लिए तैयार है, क्या भारत डेमोक्रेसी के लिए तैयार है। और उसका जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और संविधान बनाने वाले सारे लोगों ने बहुत मजबूती से दिया था। और लोकतंत्र की इतनी गहरी नींव वो लोग रख के गए थे कि सारे तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद इस देश का लोकतंत्र मजबूत होता रहा, यहाँ का संविधान समय समय पर बदला गया। लेकिन आज जो संविधान बदलने की बात हो रही है वो किस लिए हो रही है? 400 पार का नारा सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हमें संविधान बदलना है? हमारे संविधान से अच्छा विश्व में कोई दूसरा संविधान नहीं। तो इस संविधान की रक्षा करने के लिए आज विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं। इसमें मैंने आपको जो नोट दिया उस पंडित जी का वो दिया हुआ है कि उन्होंने 1988 में सारी विपक्षी दलों को लिखा था और सबसे आग्रह किया था कि हम सब लोग साथ हो जाएं, साथ होकर इस देश के संविधान को बचाने की चेष्टा करें, नहीं तो वो शक्तियाँ हावी हो जाएंगी और यहाँ देश का संविधान नहीं बचेगा। और भारत जो एक मजबूत देश के रूप में जाना जाता है, हमारी मजबूती हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जब खतरे में पड़ता है तो भारत कमज़ोर होता है। तो ये उनका मानना था, उसी विचारधारा को हम भी मानते आए हैं, हमारा परिवार भी मानता आया है, हम सब गांधी के विचारों को मानते हैं, गांधी के मार्ग पर चलते हैं और गांधी ही हम लोगों के नेता हैं। धन्यवाद। जैसा कि और हमारी समझ से हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं श्री अजय राय जी, उनके ऊपर इस चुनाव के अलावा भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है जिसका वो बखूबी निर्वाह करते आ रहे हैं। अब वो पूरी तरह से इस चुनाव में लगे हैं। आज समन्वय समिति की बैठक है, इसमें सारे दल आएंगे, दिखाई पड़ेंगे और सारे दल एक होकर इस चुनाव को लड़ेंगे। अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पे ही दे रहा हूँ, हम भदोही में चुनाव लड़ रहे हैं, ललितेश भदोही में चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी हमें समर्थन दे रही है वहाँ पर। आज समाजवादी पार्टी की समन्वय समिति की बैठक हो रही है, लगातार उनके लोग हमारे साथ चल रहे हैं, हम उन्हीं के समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जिले के, उनके जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, ब्लॉकों के अध्यक्ष हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, उन सबके साथ मिल के कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज उनके बड़े नेताओं की, जिले में जितने बड़े नेता हैं उनकी समन्वय समिति की बैठक हो रही है। सुबह 9 बजे से बैठक शुरू हुई है और शायद 12-1 बजे तक, 2 बजे तक ख़त्म होगी। कांग्रेस को बैसाखी का सहारा क्यों लेना पड़ा? देखिए, कांग्रेस को बैसाखी की बात नहीं है, इस देश में कांग्रेस ने जो दिया है, इस देश को जो दिया है उस पर सवाल कुछ लोगों ने खड़े किए थे। हमने ये सोच के कोई, जो भी हमारे प्रोग्राम थे, कांग्रेस की सरकारें थी, हमने ये सोच के नहीं कि ये दिए थे कि हम इससे कोई राजनीतिक फ़ायदा लेंगे। अगर राजनीतिक फ़ायदा लेना होता तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उन कार्यक्रमों में इन्वॉल्व रहती, हम इन्वॉल्व नहीं थे, ये शायद हमारी गलती थी। उस वक्त इतने बड़े प्रोग्राम आ रहे थे हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जो जनता के लिए बहुत ही ज़रूरी कार्यक्रम थे, आज भी उन्हीं कार्यक्रमों को अलग अलग नामों से चलाया जा रहा है। उस वक्त इतना विरोध हुआ, कितना विरोध आप लोगों को याद होगा, मनरेगा का कितना विरोध किया गया, पार्लियामेंट में विरोध हुआ और कहा देश खोखला हो जाएगा इससे, GST का विरोध आज, जिस GST पर के भरोसे ये सरकार चल रही है उसका कितना विरोध किया, और उस जब GST लाए तो कितनी गलत GST लेके आए। आज सारा व्यापारी वर्ग जो भी और सामान्य वर्ग, हम लोग सब परेशान है GST की वजह से, महंगाई बढ़ी हुई। तो कांग्रेस को बैसाखी की ज़रूरत नहीं हुई, ये सोच हुई कि जो देश में हो रहा है अगर उसको रोकना है उसके लिए समान विचारधारा के सारे दल एक होकर उस विचारधारा से लड़ें,
जो आज देश के ऊपर हावी होती जा रही है। आपके परिवार के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, कल उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उसके विषय में मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हमारे परिवार में सभी प्रत्येक यहाँ पे सारे सदस्य, हर पीढ़ी के जो सदस्य अभी जिंदा हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और सभी हमारे परिवार के लोग उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे पंडित कमलापति त्रिपाठी चले थे। हम सारा परिवार उसमें एक है। हम सब गांधी की विचारधारा को मानने वाले हैं, हम सब पंडित कमलापति त्रिपाठी की उस बात को मानने वाले हैं जब उन्होंने कहा था कि हमारे लिए कांग्रेस छोड़ना हिंदू धर्म को छोड़ने के बराबर होगा। हम ना तो हिंदू धर्म छोड़ सकते हैं ना कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कांग्रेस में हमें मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, हम कांग्रेस में ही जिए हैं और कांग्रेस में ही मरेंगे। एक भूल शायद मुझसे हुई, मैं उनकी उस बात को, दो बातों को शायद नहीं समझ पाया। एक तो कांग्रेस के प्रति, इस विचारधारा के प्रति उनकी मजबूत सोच, दूसरी वो जब कहते थे कांग्रेस कमज़ोर होगी तो देश कमज़ोर होगा। हमने जो किया, हमने कांग्रेस ज़रूर छोड़ी, लेकिन हम कांग्रेस के उसी एक दल के पास गए जिसकी विचारधारा फिर वही विचारधारा थी, देश में गांधी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, नेहरू की विचारधारा को आगे बढ़ाने के, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो विचारधारा थी, हम वहीं गए, हम उससे अलग नहीं। आज यदि परिवार का एक सदस्य भारतीय जनता पार्टी में गया है तो उसके लिए ये रास्ता हमने खोला कांग्रेस छोड़। आज वो वहाँ गए हैं और मुझे विश्वास है कि ये ज़्यादा दिन की बात नहीं होगी, चुनाव के बाद वो पुनः घर आ जाएंगे। तो क्या राजेश्वरी जी, अगर सोमेश जी वापस आते हैं तो उनका परिवार में उसी तरीके से स्वागत? परिवार से तो अलग हुए ही नहीं है, वो परिवार में तो है ही है। कांग्रेस के परिवार में यहाँ पे हमसे ही गलती हुई है, तो हम अपने बारे में अभी तो सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में क्या। किस प्रकार की गलती क्यों हुई, ऐसे क्यों जी? हम हमारी देखिए कोई ना, हम हमारा संबंध जो गांधी परिवार से है, जो अपनापन, जो हमारे संबंध सोनिया गांधी जी से थे, श्रीमती सोनिया गांधी जी से थे हैं, जितना सम्मान और अपनापन हमको श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी से मिला, वो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में रहा हूँ। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की जयंती जब दिल्ली में मनाई गई थी तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस चीज़ को कहा था कि हमारा संबंध त्रिपाठी परिवार से राजनीतिक से ज़्यादा पारिवारिक संबंध है। राजनीतिक परिवार संबंध तो है ही है, लेकिन उतना ही हमारा पारिवारिक संबंध है, तो वो संबंध आज भी कायम है। और सुमेश गए भारतीय जनता पार्टी में, क्यों गए मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो गए हैं तो वापस भी वापस आएंगे। राजेश्वरी जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जल्द ही आपकी कांग्रेस में घर वापसी होगी। मैं कांग्रेस छोड़ के गए नहीं, मेरी नेता आज भी श्रीमती सोनिया गांधी हैं। नहीं, तकनीकी रूप से मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ, वो भी हमारी एक मोमेंटरी एक वो ज़रूरत हो पड़ी होगी उस वक्त, जो भी सोच थी हमारी। मेरे संज्ञान में शताब्दी वर्ष में पहली बार जो कभी भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु औरंगाबाद रहा, तो कल यहाँ भगवा लहराया औरंगाबाद हाउस पे, तो इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, हमारा ये परिवार जो है काशी का एक बड़ा पुराना परिवार है। हम 300-350 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, और हमारा परिवार हमारे जो पूर्वज यहाँ पहले आए थे तो वो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते हुए यहाँ पे आए थे। हमारी नींव सांप्रदायिकता के खिलाफ इतनी गहरी है, हमारी जड़ें हमारे सनातन धर्म के प्रति इतनी गहरी है, हमारी जड़ें हिंदू धर्म के प्रति इतनी गहरी हैं, हमारे यहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान सारे वर्ष चलता रहता है। हमें किसी के धर्म के बारे में बोलना कि धर्म के साथ राजनीति करने वालों को तो बोलने की आवश्यकता नहीं। हम वो क्या कर रहे हैं उस पर न जाके जो हम हैं वो हमें देखना चाहिए। तो हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं,
कि एक कोई झंडा लहराने से यहाँ वो हमारी जड़ें कमज़ोर नहीं होती, हमारा पूरा परिवार आज भी उसी विचारधारा पे है जिस विचारधारा पे पंडित कमलापति त्रिपाठी हमारा पूरा परिवार चलता आया है। काशी के ही डॉक्टर पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी भी वो जमीर को मतलब ठेस पहुंचाने को लेकर पार्टी बदले हैं, तो मानते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में इस तरह की अवहेलना हो रही है। देखिए जब पार्टी एक बदलाव की स्थिति होती है, पार्टी में एक नई सोच आती है पार्टी, तो कुछ लोगों को ज़रूर चोट पहुंचती है। और राजेश जी को मुझे ये लगा, मुझे भी लगा, मैं पार्टी में नहीं था लेकिन मुझे ये लगा कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था जब राहुल गांधी जी आए थे तो सम्मान नहीं मिला था। लेकिन तब भी अगर मुझसे भूल हुई थी पार्टी छोड़ के तो उनसे भी भूल हुई। राजेश जी, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए इस चुनाव में इस वक्त अगर आप लोगों के बीच में जाएं, आज लोग खामोश ज़रूर हैं, वो बोल नहीं रहे। और अभी 2014-19 का चुनाव हमारे सामने है, 2022 का चुनाव हमारे सामने है। तब तक लोग जहां जाते थे वहां एक देश के प्रधानमंत्री के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग खुलकर बोला करते थे। इस चुनाव में मैं शायद 2-4, 5,000, 10,000 लोगों से मिल चुका हूं प्रचार के दौरान, और मैंने कहीं ये नहीं सुना कि देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग खुशहाल हैं, हमें नौकरियां मिल रही हैं, हमारी बेरोज़गारी दूर हो रही है, महंगाई पे कहीं कोई चोट हो रही है, ये सारी चीज़ें कहीं सामने नहीं आ रही। हमारे लिए हो सकता है देश का लोकतंत्र एक मुद्दा हो, लेकिन आम जनमानस के लिए आज जो बेरोज़गारी है, इतनी तैयारी करके बच्चे इम्तहान देने जाते हैं और पर्चे लीक हो जाते हैं, फिर जो मौका रहता है उनको कई उसमें ओवर एज हो जाते हैं जिनको फिर नौकरियां नहीं मिलती। आज धीरे धीरे नौकरियों की बात हम क्यों करें, हम आरक्षण की बात क्यों करें, जब आज देश में नौकरी देने वाला ही कोई नहीं बचा है। सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज तो इन्होंने एक एक करके, जो हमारे देश के नवरत्न थे, उनको धीरे धीरे करके इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया। जितनी बड़ी कंपनियां थीं जो इस देश को ले कर चलाती थीं, जो रोज़गार पैदा करती थी, आज वो हमारे पास रह नहीं गई। उस सब में डाउन साइजिंग की जा रही, नौकरियां कम की जा रही। तो जिस तरह जब देश इस तरह से चलेगा तो हम कमज़ोरी की तरफ जाएंगे। हम निश्चित रूप से अगर देश के नौजवानों के भविष्य को नहीं सुधार सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी दल, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में बना रहे। आज बेरोज़गारी जब हम ख़त्म करेंगे, देश के नौजवानों में फिर से जब एक नई ऊर्जा का संचार होगा, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। तरक्की राजेश पति जी, एक सीट पे आपकी टीएमसी लड़ रही है, तो क्या ममता बनर्जी जी यूपी में प्रचार करने के लिए भदोही आएंगी? मुझे विश्वास है, मुझे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि उनके यहाँ भी चुनाव चल रहे हैं बहुत तेज़ी से। पाँचवें चरण के बाद शायद हमें वो डेट मिलेगी। अभी उनके सांसद आए हुए थे, राज्यसभा के सांसद थे भदोही में, और काफ़ी दिन से वहाँ रुक के प्रचार कर रहे हैं, तो उनका भी ये मानना था कि पांचवें चरण के बाद उनको थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी 7 चरण में चुनाव है। पांचवें के बाद उन्हें छठे और सातवें के बीच में उनका कार्यक्रम शायद लगेगा। आज भी हमारी नेता सोनिया गांधी जी, क्या हम लोग ये माने कि तकनीकी रूप से क्या दिल्ली का चुनाव बाद आपकी कांग्रेस में वापसी कर रहा है? देखिए मैं इस बात को तो नहीं कहूँगा कि मैं कांग्रेस, आज मैं तृणमूल में हैं और तृणमूल में हमारी नेता श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी ने हमें बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने एक वो सीट जो कि मजबूत, एक बड़ी मजबूत समाजवादी पार्टी की सीट थी, वो उन्होंने ललितेश को दी, और ये अखिलेश जी का बड़प्पन था कि उन्होंने वो सीट ममता जी के लिए छोड़ी। उन दोनों के संबंध ऐसे हैं कि वो शायद अखिलेश मना नहीं कर सके, और उन्होंने जो सीट दी वो अच्छी सीट दी, कहीं कोई कमज़ोर सीट नहीं थी। तो मैं ममता जी के प्रति हमेशा मैं आभारी रहूँगा, और उनका नेतृत्व हमने उनके साथ बंगाल में जाके देखा है।
जिस तरह से वो ब्लॉकों में जाके एक मुख्यमंत्री के रूप में ब्लॉकों में जाके मीटिंग करती है, BDO से लेके उनके नीचे अधिकारियों से गांव की स्थितियां पूछती हैं, जानने की चेष्टा करती हैं कि गांव में क्या हो रहा है, अपने ब्लॉक कमेटी के जो उनके अध्यक्ष होते हैं तृणमूल के, उनके साथ उनकी वार्ता होती है, पहले नाम से वो जानते हैं। तो एक पार्टी चलाने का एक तरीका हमने वहाँ देखा, जो हम कांग्रेस में पंडित जी अपने सब जब थे तभी कहते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व कार्यकर्ताओं से दूर होता जाए। अब समय यह है कांग्रेस को पहले कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को वो अपने पास लेके आए, और हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता, अभी क्षेत्र में आप जाइए तो आपको मिलेंगे, लगता है कांग्रेस पास कार्यकर्ता नहीं है, लाखों कार्यकर्ता हैं जो घर में बैठे हैं, और ये नेतृत्व काम है कि उन कार्यकर्ताओं को वापस मुख्य धारा से जोड़े। त्रिपाठी जी, आप पूर्व में औरंगाबाद हाउस को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, और वर्तमान समय में देख रहे हैं कि पार्टीगत जो है हमेशा परिवर्तन होता रहा है, तो क्या ये त्रिपाठी हाउस को ये ना माना जाए कि कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास कर रही है? मैं कांग्रेस कमजोर हुई है, हम लोग के तमाम प्रयास उसको मजबूत करने के प्रयासों के बावजूद, न सिर्फ हमारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हर कांग्रेसी की एक इच्छा थी कि कांग्रेस मजबूत हो, धीरे धीरे निश्चित रूप से एक हताशा की भावना शायद हमारे नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में तो नहीं आई लेकिन हम लोगों में आई, मुझ में तो विशेषकर मैं हताश था, मुझे ये लगता था कि कांग्रेस अब ऊपर नहीं उठी। राहुल जी की यात्रा, उनकी यात्रा कर कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, फिर असम से लेकर महाराष्ट्र तक की यात्राओं ने देश को जागृत किया है, उनका नेतृत्व उभर के आया है, एक बहुत बड़े नेता के रूप में हमारे सामने वो आए। तो कांग्रेस मजबूत होगी तो हम सब मजबूत होंगे, कांग्रेस मजबूत होगी तो औरंगाबाद हाउस भी पुनः मजबूत होगा, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के रूप से हम लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने किसी को अनाउंस नहीं किया, कोई उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि कौन नेतृत्व करेगा, हमारी समझ से चुनाव के बाद ये फैसला बड़ी आसानी से हो जाएगा, जिस दल के पास भी ज़्यादा सदस्य होंगे उसी दल का कोई व्यक्ति नेतृत्व करेगा। मेरी अगर कोई पसंद पूछेगा तो मेरी समझ से राहुल गांधी से अच्छा प्रधानमंत्री इस देश के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री लगातार खुले मंच से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद करती है, क्या उसका एक नज़रिया रायबरेली और अमेठी है क्या? उनका देखिए, उनके नज़रिए पे तो हम नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं क्या, वो तो मंगलसूत्र ही ले लेते हैं लोगों का, तो उनकी बातों पे तो हम जाएंगे ही नहीं, वो क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। जहाँ तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, इस क्षेत्र को उस परिवार ने इंदिरा जी के समय से सींचा है, 1980 से लगातार वो परिवार अमेठी से लड़ता आ रहा है और मजबूती से लड़ा है, हारा भी है जीता भी है, तो इस बार पुनः वो दोनों सीटें कांग्रेस जीतेगी या बड़े मार्जिन से जीतेगी, उसमें कोई शक नहीं। नामांकन की जो देरी हुई या मतलब जज आदमी नहीं कर पाया या पार्टी जज नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि भाई, ये ज़रूर है कि भाई राहुल जी को हो सकता है ये सोचना पड़ा हो कि हम रायबरेली से लड़ें या अमेठी से लड़ें, तो निर्णय हुआ कि वो रायबरेली से लड़ेंगे, उसके बाद अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जी जो बड़े पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर रहे, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया, तो हमारी समझ से इसमें कहीं परिवारवाद की कोई बात ही नहीं। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं, हम तीसरे चरण के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच हमारी आप लोगों से काफ़ी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा ये अवसर ऐसा है कि आप सब से मिलके अपनी बातों को आपके सामने रखूं, और देश में जो बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आप लोग से कुछ वार्ता कर सकूं। हमारी जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं, जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, जो यूट्यूबर्स की रिपोर्ट्स हैं, और जो हमारी लोगों से कई जगहों पर बंगाल से लेकर राजस्थान तक बात हुई है, निश्चित रूप से एक परिवर्तन की लहर तो इस देश में चल रही है। मतदाता खामोश है लेकिन जब वोट देके वो आ रहा है तो उस पर पता चल रहा है कि देश में क्या हो रहा है।
में जो बिखराव की स्थिति है आपके भाजपा, हमारे परिवार में कोई बिखराव नहीं। राजनीतिक बिखराव उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन हमने कांग्रेस से इस्तीफा देके तृणमूल कांग्रेस में हम गए, उनको ज्वाइन किया। हम कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में इसलिए गए कि श्री ममता बनर्जी से, पंडित कमलापति त्रिपाठी की 1980 से एक बड़ी अच्छी दूसरे के प्रति भाव थे। मुझे याद है कि एक बार श्री राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी से क्षमा करेंगे, राजीव गांधी जी पंडित जी से मिलने आए थे उनके आवास नौ जनपद पे। उस वक्त कमलापति जी ने राजीव गांधी जी से ममता बनर्जी की चर्चा की थी कि इस लड़की में बहुत ही योग्यता है, लड़ाई करने की क्षमता है, इसको जितना आगे बढ़ा सकोगे बढ़ाना। और इस चीज़ को ममता जी भी जानती थी। जब हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो पहली व्यक्ति जो जिन्होंने हमको फ़ोन किया वो ममता जी थी। उन्होंने कहा मुझे तुम आप ललितेश दे दो और उसका समय है नेतृत्व करने का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम कांग्रेस छोड़ने के बाद इसलिए नहीं, हम नहीं चाहते थे कहीं ऐसी जगह जाएं जिसमें हमको चुनाव लड़ने के लिए बाध्य किया जाए। तो विधानसभा की हमें सीट दी गई थी और चॉइस भी दी गई थी कि जहाँ से चाहें आप लड़ सकते हैं, लेकिन हम कांग्रेस छोड़े हुए थे। हम ये नहीं चाहते कि लोगों के दिमाग में यह आए कि हमने कांग्रेस कुछ पाने के लिए छोड़ी है। कांग्रेस छोड़ने का हमें कष्ट था, दुख था, और वो रहेगा हमेशा। लेकिन ममता जी के नेतृत्व ने बहुत कुछ हमको सीखने का मौका दिया, बहुत कुछ हमें देखने का मौका दिया। और मुझे विश्वास है बंगाल में पुनः वो एक बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में, बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में काफ़ी सीटें उनकी कम होने वाली है। लेकिन इस बिखराव को क्या कहेंगे पहले टीएमसी या बीजेपी? देखिए, हम तो टीएमसी में गए और जैसा मैं कह रहा था, हमने एक परिवार के लिए रास्ता खोल दिया, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के कोई कहीं जाना नहीं चाहता था। और सुमेश हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने हमसे उस वक्त कहा था कि आपने छोड़ के गलती की है और इससे हम लोगों को खुद सोचने का मौका, ये मौका दे रहा है कि हम क्या कांग्रेस में बने रहें या नहीं। तो उनकी सोच से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। लेकिन हमारे परिवार के एक एक सदस्य कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस के की विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा थी, जो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की विचारधारा थी, उस विचारधारा पे चल रहा है। शुरू हुआ जब कांग्रेस कमज़ोर हुई, और इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि हम सब की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस की कमज़ोरी को दूर करने की हम कोशिश करें। तो मैं अपने आप को खुद भी दोषी मानता हूँ, कांग्रेस छोड़ के मेरा जाना कहीं ना कहीं छोटे ही एक हिस्से में उसने कांग्रेस को कमज़ोर किया। हमें अपनी लड़ाई लड़ते रहने चाहिए थी, अपनी बात जो हम कांग्रेस में कहते थे वो कहते रहने चाहिए थी। हट के हमसे एक भूल हुई, एक गलती हुई। हम ये नहीं कह रहे कि हम कांग्रेस में वापस जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जाना अनुचित था। उसके बाद इंडिया गठबंधन बना, हम सब मिल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आगे चल के हमारे ख्याल से ये गठबंधन एक बहुत मजबूत देश में अपना स्थान बनाएगा और एक बड़ी मजबूत विचारधारा को लेके आगे चलेगा। देखिए, संदेश खाली एक घटना, ऐसी घटना नहीं थी जिसको किसी प्रदेश में नहीं हुई, हर प्रदेशों में हुई और दुखद घटना है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली की बात करती है, क्या उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई उसकी बात करती है? वो नहीं करती है। ममता जी के लिए क्या क्या ये लोग नहीं कहते हैं? आज देश की सबसे बड़ी पूजा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जाती है, यूनाइटेड नेशंस ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, वो देश की दुर्गा पूजा होती है। 15 दिन तक की छुट्टियां होती हैं और पूरे प्रदेश में दुर्गा पूजा उनके यहाँ होती है, जो कि सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है। कोई बैन कहीं नहीं लगा था, किसी के कोई बैन नहीं। ये देखिए, यही नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी का, कहीं कोई बैन नहीं था। ये नहीं था कि रामनवमी पे आप मत निकालिए, ये कहीं नहीं था। जो 15 दिन की पूजा होती है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ने, इतनी बड़ी पूजा कोई नहीं होती। 15 दिन तक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर एक एक पंडाल को, माँ दुर्गा को जाके साष्टांग करती हैं, एक एक पंडाल में जाती हैं।
चंडी पाठ वो खुद करती है देश का कोई कोई ऐसा करता ही नहीं वहाँ दूसरा धर्म की उनका हमने हम ये बात हमारी उनसे हुई थी उनका जो भी बंगाल में कोई किसी धर्म का भी हो उस धर्म का पालन करने की उसको छूट है उसको प्रोटेक्शन देना सरकार का काम है उसके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन होगा तो सरकार उसके लिए खड़ी हो चाहे वो किसी भी धर्म के श्री राहुल गांधी जी की जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसके बाद असम से लेकर महाराष्ट्र तक उसने लोगों को जागृत किया देश में उन समस्याओं के लिए जागृत की तरफ जागृत किया जहाँ से उनको भटकाया जा रहा था वो सीधे उन समस्याओं पे गए बेरोजगारी पे गए वो महंगाई पे गए देश के संविधान पे जो संकट आ रहा है उस पे गए जो देश के लोकतंत्र पे हमला हो रहा है उस पे गए जो सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हो रहा है उस पे श्री राहुल गांधी गए और उनकी आवाज़ को लोगों ने सुना आज वो आवाज़ बड़ी मजबूती से गूंज रही है लोगों के हृदय में घूम रही है मन में गूंज रही है कि राहुल गांधी जो कहते थे ठीक कहते थे सच कहते थे सभी लोग ये कह रहे हैं तो आज राहुल गांधी के रूप में एक बड़ा नेता उभरा है विपक्ष के पास ये नेता है एक नेतृत्व है और इसका फल निश्चित रूप से इस चुनाव परिणाम में चुनाव के हिंदू मुसलमान पे लड़ी जा रही है कतई नहीं कहीं कहीं ये हो ही नहीं पा रहा सारी भारतीय जनता पार्टी की सारी कोशिश इसको करा के ख़त्म हो गई।